दिस इज द सिक्स्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर नॉन कम्पिटिटिव मार्केट। लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा। अब हम जानेंगे कि एआर और एमआर कर्व इन मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट में एआर और एमआर कर्व कैसे बनते हैं। तो एआर डिमांड कर्व होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड की ओर जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर, एंड लेस इलास्टिक देन दैट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कंपेरिजन में ये कम इलास्टिक होता है। इट मीन्स दैट टू इंक्रीज डिमांड ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस। डिमांड जब इंक्रीज होती है, डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या होगा, हमें प्राइस कम करनी पड़ती है। गिवन द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट द मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज हिज सेल्स विद लो प्राइस। तो प्रोडक्ट की जो दी गई डिमांड होती है, वो एक मोनोपोलिस्ट को प्राइस अपनी सेल को बढ़ाने के लिए क्या होगा, कम करनी पड़ती है। द मार्जिनल रिवेन्यू आल्सो फॉल्स। मार्जिनल रिवेन्यू भी कम हो जाता है, बट द रेट ऑफ फॉल इन मार्जिनल रिवेन्यू है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इन एवरेज रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू का फॉलिंग जो रेट होता है वो एवरेज रिवेन्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं, देखिए रिवेन्यू का मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू फॉलिंग होता दिख रहा है यहाँ पर। अब समझ लेते हैं इस टेबल से, क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है, ठीक है। ए आर इक्वल प्राइस रुपीज़ 20, 18, 16, 14, 12, 10, 18, ये प्राइस है। अब टोटल रिवेन्यू क्या हो जाता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। तो 1 × 20 = 20 हुआ, 2 × 18 = 36 हुआ, 3 × 16 = 48 हुआ, 4 × 14 = 56 और 5 × 12 = 60, 6 × 10 = 60 एंड 7 × 8 = 56। अब मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, ठीक है, 20 के बाद 36 हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो एमआर यहाँ पर आया। 36 और 40 डिफरेंस 12, 48 और 56 डिफरेंस 8 हुआ, 56 और 60 डिफरेंस 4, 66 डिफरेंस 0 हो जाता है, एमआर यहाँ 0 है। अब 60 और 56, 56 − 60 − 4, तो क्या हुआ यहाँ पर, मार्जिनल रिवेन्यू -4 में जाता है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि किस तरह इसको हम ड्रा करते हैं।